किसी को भी बताने के बाद बहुत जल्दी कोई मानता नहीं, और इसीलिए मैं इथेनॉल की गाड़ी लेकर घूमता हूँ। वो किसानों ने तैयार किए हुए शुगर केन जूस, मोलाइसिस, बीएवी मोलाइसिस, कॉर्न, ब्रोकन राइस, परली और बाम्बू, इससे अब इथेनॉल बनता है। हमारे यहाँ अभी बाम्बू की बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन हुआ है। मैं संतोष जी को बता रहा था कि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, पर बाम्बू लगाकर आप बहुत पैसे कमाने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। कर्नाटक में एक भीमा बाम्बू है, वो एक एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन होता है, और 4,000 रुपये टन का अगर भाव किया तो 8 लाख रुपये एकड़ में उसका उत्पादन है। अब बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अंडरपैंट, बनियन और जर्सी बनाते हैं। हमारे एक सेक्रेटरी थे एमएसएमई के, पंडा करके, अभी उड़ीसा में गए हैं, मैंने उनको बाम्बू से बनाई हुई जर्सी दी, और जब भी वो मुझे आते हैं वो बताते कि ये जर्सी पहनने से पसीना ही नहीं आता। तो बाम्बू से अचार भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है, और मैं एनएचआई को बधाई दूंगा कि अब बाम्बू से हमने 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर भी बनाया है। और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारे एनएचआई डीसीएल को ये कह रहा हूँ कि लोहे का निकालो, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बाम्बू जो है वहाँ के किसानों से लेकर आप वहाँ से बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाओ। जो बाम्बू है उससे नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से इथेनॉल तैयार हो रहा है बाम्बू से, और वो इथेनॉल बांग्लादेश को जो पेट्रोल की पाइपलाइन जा रही है उसमें पेट्रोल और डीजल जाता है। तो मैंने वहाँ के एमडी को ये कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल के आप बांग्लादेश में भेजोगे तो वहाँ का प्रदूषण भी कम होगा, आपका 2 रुपये लीटर फायदा भी होगा, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाम्बू कटने से उत्तरा अपने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मुझे मालूम है कि परली हो, बाम्बू हो, अभी परली का भाव हरियाणा, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में 2 से 2,500 रुपये टन हुआ। मैं अक्सर ये बात मानता हूँ कि कचरे के लिए देश में झगड़े होने चाहिए, परली के लिए झगड़े होने चाहिए, और ये हो सकते जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी। और इसलिए मैं हमारे डिपार्टमेंट को और धन्यवाद दूंगा कि हमने दिल्ली के गाजीपुर टेकड़ी का कचरा जो है वो सेग्रीगेट करके UR2 दिल्ली मुंबई हाईवे इसमें डाला है। इतना ही नहीं तो चंडीगढ़ में भी ये कचरा डाला गया है, और गुजरात में अहमदाबाद डोलेरों में भी करीब 40 लाख टन कचरा रोड में डाला गया है। कचरे से वो सेग्रीगेट करने के लिए मैंने हमारे सेक्रेटरी और बाकी अधिकारी चाहे को कहा है कि हम जो 10% मशीनरी एडवांस देते हैं उसमें सेग्रीगेशन करने वाली मशीन 2 करोड़ में आती है, और वो अगर सेग्रीगेट हो जाता तो मुझे लगता है, अभी मैं राज्य मंत्री को बता रहा था कि जब ये दिल्ली मेरठ हाईवे का निर्माण हो रहा था मैंने बहुत मेहनत की, हर डिपार्टमेंट में मीटिंगें की, LG को बुलाया, कमिश्नर को बनाया, पर दुर्भाग्यवश मुझे सफलता नहीं मिली। अगर उस समय अगर सफलता मिलती तो गाजीपुर की टेकड़ी आज खत्म हो जाती और पूरा कचरा इस रोड में जाता। अभी इतनी बड़ी हाइट पर जो मिट्टी लाई गई है यह पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही अड़चन का विषय है। बाद में हम लोग जो फ्लैश डालते थे वो भी अब मिलती नहीं है, और इसलिए म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके हम अगर उससे ये बनाएंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी और कचरे की भी, एक प्रकार से कचरा भी नष्ट होगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश को अब हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश में हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, अब बायो फ्यूएल और अल्टरनेटिव फ्यूएल के कारण हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं, और इसलिए NHAI और हमारी मिनिस्ट्री भी इसमें हम बहुत बड़े प्रमाण पर नए नए टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ एक पायलट प्रोजेक्ट में कि एक इलेक्ट्रिक बस जो केबल नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक पर चार्ज होगी, 40 किलोमीटर जाएगी, एयर कंडीशन, एग्जीक्यूटिव क्लास, हवाई जहाज जैसी खाने पीने की व्यवस्था
और टिकट रेट 30% कम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण और इलेक्ट्रिक के कारण प्रदूषण भी कम होता है, और इसलिए आने वाले समय में आप सबके सहयोग से हमें आपके पर्यावरण की रक्षा करनी है। बहुत खुशी हुई कि हमारे NHAI ने 80 किलोमीटर बांबू का क्रैश बैरियर बनाया है। हमारे अर्थमंत्री वित्त मंत्री जी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है हाइड्रोजन के लिए, जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से होता है और कचरे से बनता है, बायोमास से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। जो हम लोग पानी से बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाने में हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और इसलिए हमें भी एक प्रोजेक्ट मिला है। मैं इसमें निश्चित रूप से हमारे सेक्रेटरी और अधिकारियों को आह्वान करूंगा कि गाजीपुर टेकड़ी के बाजू में जो कचरा निकलता है वो अगर बायो डाइजेस्टर में डालकर उससे मिथेन निकलकर उससे अगर हाइड्रोजन निकाला गया तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रोड पर हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो ये वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, और हमारा प्रयास है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी आए, और ये अगर आएगी तो भारत ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक अब मैं तो सब प्रयोग, जितनी बातें आपको कर रहा हूँ मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब प्रयोग करता हूँ और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है, और मैं पैसे भी मिले, कुछ जगह लॉस भी आया, पर मैं खुद अपने भरोसे प्रयोग करता हूँ। मैं 5000 लीटर ये जो कचरा अपना प्लास्टिक है उससे क्रूड पेट्रोल तैयार करता हूँ, और गन्ना काटने के लिए जो हार्वेस्टर चलते हैं उसमें डीजल में 50% डालता हूँ। आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के भी एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ मेरे लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, 55% तक इथेनॉल मिल गया। तो मैं आने वाले इसमें सब प्रयोग खुद करता हूँ, इसलिए आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पहला काम आप करिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की गाड़ी खरीदी करिए। आपने देखा होगा कि एक महीना पहले बजाज कंपनी पुणे में मैंने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी बजाज की, वो मोटरसाइकिल CNG पर है, और ये जो CNG है अभी ये वेस्टर्न यूपी हरियाणा और पंजाब में, उस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सहारनपुर से लेकर हर जगह पर बन रहे हैं, जो प्रेस मड़ से और राइस स्ट्रॉ से बायोमास से बायो CNG बना रहे हैं। मैंने देश का पहला ट्रैक्टर, मेरा खुद का ट्रैक्टर CNG पे कन्वर्ट किया, 1,00,000 रुपए की बचत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने CNG का ट्रैक्टर लॉन्च किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की वो राजू बजाज जी ने मुझे बताया, वो मेरे लिए आई ओपनिंग था। उसने मुझे कहा कि 1 किलोमीटर पेट्रोल की मोटरसाइकिल पर बजाज की चलने के लिए 2.25 रुपए खर्चा आता है, और CNG पर जो चलती है उसको 1 रुपए खर्चा आता है, यानी 60% फ्यूल का खर्चा कम होता है। और इसका कारण यह हुआ कि मार्केट में बड़े प्रभाव पर CNG की बसें, CNG की गाड़ियां, अब CNG की 2-व्हीलर भी आई है, ऑटो रिक्शा भी आई है। CNG कम पोल्यूशन करता है, पेट्रोल डीजल में बहुत पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक में तो नहीं होता है, और इसलिए इथेनॉल मिथेनॉल इसके साथ CNG LNG इलेक्ट्रिक और उसके साथ हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ जो भी आज पोल्यूशन हो रहा है, जो पेड़ आज हमारे NHAI और मिनिस्ट्री खड़े किए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसका भी कार्बन क्रेडिट बनेगा। मैंने अभी सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब को नागपुर में इनवाइट किया है, 28 तारीख को शायद कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक जगह 40 सेक्टर में हमने वहाँ NHAI के तरफ से एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क तैयार किया है, जो बहुत हिंदुस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट है उनसे काम किया है, और वहाँ फल के झाड़ लगाए, पर वहाँ फल तोड़ने के लिए जो इंसान है उनको बंदी है,
फल केवल बर्ड ही खाएंगे, पर ऑक्सीजन जो है वो इंसान ले सकते हैं। तो पहला ऐसा बर्ड ऑक्सीजन पार्क, इसका इनॉग्रेशन अभी इसी महीने में 28 तारीख को हो रहा है। पर्यावरण के लिए हम केवल पर्यावरण को नष्ट नहीं करेंगे तो पर्यावरण को बचाएंगे, प्रदूषण को कम करेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने दिल्ली को 6000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें कम से कम यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा में काफ़ी प्रोजेक्ट हमने यशस्वी रूप से पूरे किए। और इसके साथ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में भी मथुरा की 80 MLD स्लज को शुद्ध करके वो पानी इंडियन ऑयल को दिया और मथुरा को गंदे पानी से कुछ प्रमाण में मुक्ति देने का काम हुआ। अब वो पानी जो ऑपरेटर है वो पूरे तरह 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और रिफाइनरी में पानी का उपयोग होता है। आने वाले समय में जो शपथ हमने ली है वो पर्यावरण की रक्षा करने की है, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। मुझे ये भी, हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी के लिए याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड साइड एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्टें करेंगे और कई टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो, अगर आपको लगता होगा तो मैंने राज्य मंत्री को कहा हर रोड पर घूमो और मैं भी घूमूंगा। कल मैं अच्छा काम मैंने देखा, तमिलनाडु में था, त्रिचनापल्ली में, वहाँ से कुंभकर्णम में गया था और पटेल इंजीनियरिंग ने काम किया था। मैंने अभी यादव जी को कहा, मैं वो रोड पर कम से कम 15-20 किलोमीटर गया, इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा और जो बुरा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। तो आप देखो आपको कौन से मार्ग पे जाना है। पर आज NHI ने देश के विकास में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते पर्यावरण की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो एक पेड़ माँ के नाम, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कल्पना दी। मैं 97 में महाराष्ट्र में मंत्री था तो ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक सुंदर सिटी है पर्थ, और पर्थ सिटी में 500 हेक्टर पर एक गार्डन है बड़ा,
उस गार्डन में ये जैसे ब्रिज दिख रहे, इसके ऊपर के बड़े बड़े पेड़ है और पेड़ के बाजू में नाम लिखा है जिसके पिताजी माताजी का देहांत हुआ, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ, उनके स्मरणार्थ तो उस परिवार ने वो पेड़ लगाया। और वो ऐसे करके पूरे हजारों पेड़ का एक जंगल माँ के नाम पिता के नाम उन्होंने बनाया था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कल्पना दी है, हम लोग भी भावनात्मक रूप से अपनी माँ के नाम से हर पेड़ को लगाए। और NHI के हमारे RO PD से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पेड़ काटिए मत, ट्रांसप्लांट करिए, ट्रांसप्लांट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार करिए, कंपटीशन करिए ताकि कम कॉस्ट में होगा। पेड़ काटना ये इतना हानिकारक है कि पेड़ काटना ये जीव हानि है, और इसलिए आने वाले समय में ट्रांसप्लांटेशन करने में NHI ने 78,000 पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन किया है, 4 करोड़ 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए हैं और उसको ई टैग किया है, और अब आने वाला हर पेड़ ई टैग होगा। तो पब्लिक डोमेन में कोई पत्रकार अगर देखना चाहता है तो कौन से रोड पर कितने पेड़ लगे हैं, कितने जिंदे हैं, उसका रिकॉर्ड भी पब्लिक को मिलेगा। और ये सब बढ़ती हुई पेड़ों की संख्या हमारे वायु प्रदूषण को मुक्ति देगी और दिल्ली NCR प्रदूषण से मुक्त होगा और पूरे देश के प्रदूषण की लेवल कम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े प्रमाण पर ये जो बाम्बू का है, नीम का पेड़ है, ये एब्सॉर्ब करता है। उनने महुआ के पेड़ लगाए, ये रतन जोत मोह साल करंज और टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड है और इसमें से डीजल बनता है, मैंने खुद बनाया। और छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने उनको डीजल भेजा था, उसमें अपनी टाटा की गाड़ी सफारी उस डीजल पे चलाई। तो ये उत्पादन देने वाला है, किसी को मेंटेन करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दो, उत्पादन मिलता है तो भले वो ले, ताकि ये जिम्मेदारी NHI के गले में लटकेंगी नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेना भी हमारे लिए कठिन होगा। मैं बहुत NHI चेयरमैन, हमारे अधिकारी सचिव महोदय को और सभी आप अधिकारियों को, इस इनिशिएटिव के लिए आपने बहुत मेहनत की, अच्छी नर्सरी डेवलप की, ये पेड़ आपने लगाया, आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पानी भी है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 600 फीट नीचे पानी है। तो हमने 1000 तालाब मेरे क्षेत्र में महाराष्ट्र में मैंने NHI के मदद से बनाए फुकट में, वो मिट्टी निकालकर रोड में लेके गए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। तो जहां पानी की समस्या है वहां जल संवर्धन का काम करेंगे, और उसके साथ साथ जहां प्रदूषण हो रहा वहां कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो ट्रीज है वो उसको लेकर हमारे पर्यावरण को सुधारेंगे। और एक बहुत अच्छे काम का पर्यावरण के दृष्टि से शुरुआत हुई है। आज पानीपत में हमारा प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का, जो परली से 1 लाख लीटर पर डे बायो इथेनॉल बना रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है और 88,000 टन पर ईयर वो बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बना रहा है। अब हवाई जहाज भी परली से तैयार किए हुए ईंधन पर चलेंगे। अड़चन ये होती है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसी को भी बताने के बाद बहुत जल्दी कोई मानता नहीं, और इसीलिए मैं इथेनॉल की गाड़ी लेकर घूमता हूँ। वो किसानों ने तैयार किए हुए शुगर केन जूस, मोलाइसिस, BAV मोलाइसिस, कॉर्न, ब्रोकन राइस, परली और बाम्बू, इससे अब इथेनॉल बनता है। हमारे यहाँ अभी बाम्बू की बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन हुआ है। मैं संतोष जी को बता रहा था कि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं पर बाम्बू लगाकर आप बहुत पैसे कमाने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। कर्नाटक में एक भीमा बाम्बू है, वो 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन होता है और 4000 रुपये टन का अगर भाव किया तो 8 लाख रुपये एकड़ में उसका उत्पादन है। अब बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अंडर पैंट, बनियन और जर्सी बनाता है।
हमारे एक सेक्रेटरी थे एमएसएमई के, पंडा करके, अभी उड़ीसा में गए हैं। मैंने उनको बाम्बू से बनाई हुई जर्सी दी और जब भी वो मुझे आते हैं वो बताते कि ये जर्सी पहनने से पसीना ही नहीं आता। तो बाम्बू से आचार भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है। और मैं एनएचआई को बधाई दूंगा कि अब बाम्बू से हमने 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर भी बनाया है। और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारे एनएचआई डीसेल को ये कह रहा हूँ कि लोहे का निकालो और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बाम्बू जो है वहाँ के किसानों से लेकर आप वहाँ से बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाओ। जो बाम्बू है उससे नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से इथेनॉल तैयार हो रहा है बाम्बू से, और वो इथेनॉल बांग्लादेश को जो पेट्रोल की पाइपलाइन डाल रही जा रही है उसमें पेट्रोल और डीजल जाता है। तो मैंने वहाँ के एमडी को ये कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल के आप बांग्लादेश में भेजोगे तो वहाँ का प्रदूषण भी कम होगा, आपका 2 रुपये लीटर फायदा भी होगा। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाम्बू कटने से उत्तरा अपने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मुझे मालूम है कि परली हो बाम्बू हो, अभी परली का भाव हरियाणा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में 2 से 2500 रुपये टन हुआ। मैं अक्सर ये बात मानता हूँ कि कचरे के लिए देश में झगड़े होने चाहिए, परली के लिए झगड़े होने चाहिए, और ये हो सकते जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी। और इसलिए मैं हमारे डिपार्टमेंट को और धन्यवाद दूंगा कि हमने दिल्ली के गाजीपुर टेकड़ी का कचरा जो है वो सेग्रीगेट करके UR2 दिल्ली मुंबई हाईवे इसमें डाला है। इतना ही नहीं तो चंडीगढ़ में भी ये कचरा डाला गया है और गुजरात में अहमदाबाद डोलेरों में भी करीब 40 लाख टन कचरा रोड में डाला गया है। कचरे से वो सेग्रीगेट करने के लिए मैंने हमारे सेक्रेटरी और बाकी अधिकारी चाय को कहा है कि हम जो 10% मशीनरी एडवांस देते हैं उसमें सेग्रीगेशन करने वाली मशीन 2 करोड़ में आती है, और वो अगर सेग्रीगेट हो जाता तो मुझे लगता है, अभी मैं राज्य मंत्री को बता रहा था कि जब ये दिल्ली मेरठ हाईवे का निर्माण हो रहा था मैंने बहुत मेहनत की, हर डिपार्टमेंट में मीटिंगें की, LG को बुलाया, कमिश्नर को बनाया, पर दुर्भाग्यवश मुझे सफलता नहीं मिली। अगर उस समय अगर सफलता मिलती तो गाजीपुर की टेकड़ी आज खत्म हो जाती और पूरा कचरा इस रोड में जाता। अभी इतनी बड़ी हाइट पर जो मिट्टी लाई गई है यह पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही अड़चन का विषय है। बाद में हम लोग जो फ्लैश डालते थे वो भी अब मिलती नहीं है, और इसलिए म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके हम अगर उससे ये बनाएंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी और कचरे की भी, एक प्रकार से कचरा भी नष्ट होगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश को अब हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश में हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, अब बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं, और इसलिए NHAI और हमारी मिनिस्ट्री भी इसमें हम बहुत बड़े प्रमाण पर नए नए टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ एक पायलट प्रोजेक्ट में कि एक इलेक्ट्रिक बस जो केबल नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक पर चार्ज होगी, 40 किलोमीटर जाएगी, एयर कंडीशन, एग्जीक्यूटिव क्लास, हवाई जहाज जैसी खाने पीने की व्यवस्था, और टिकट रेट 30% कम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण और इलेक्ट्रिक के कारण प्रदूषण भी कम होता है, और इसलिए आने वाले समय में आप सबके सहयोग से हमें आपके पर्यावरण की रक्षा करनी है। बहुत खुशी हुई कि हमारे NHAI ने 80 किलोमीटर बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया है। हमारे अर्थमंत्री वित्त मंत्री जी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है हाइड्रोजन के लिए, जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से होता है और कचरे से बनता है, बायोमास से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। जो हम लोग पानी से बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाने में हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और इसलिए हमें भी एक प्रोजेक्ट मिला है। मैं इसमें निश्चित रूप से हमारे सेक्रेटरी और अधिकारियों को आह्वान करूंगा कि गाजीपुर टेकड़ी के बाजू में जो कचरा निकलता है
वो अगर बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मिथेन निकलकर उससे अगर हाइड्रोजन निकाला गया तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रोड पर हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो ये वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा और हमारा प्रयास है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर केजी आए और ये अगर आएगी तो भारत ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक अब मैं तो सब प्रयोग जितनी बातें आपको कर रहा हूँ मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब प्रयोग करता हूँ और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं पैसे भी मिले, कुछ जगह लॉस भी आया, पर मैं खुद अपने भरोसे प्रयोग करता हूँ। मैं 5,000 लीटर ये पेट ये जो कचरा अपना प्लास्टिक है उससे क्रूड पेट्रोल तैयार करता हूँ और गन्ना काटने के लिए जो हार्वेस्टर चलते हैं उसमें डीजल में 50% डालता हूँ। आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के भी एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ मेरे लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, 55% तक इथेनॉल मिल गया। तो मैं आने वाले इसमें सब प्रयोग खुद करता हूँ, इसलिए आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पहला काम आप करिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की गाड़ी खरीदी करिए। आपने देखा होगा कि एक महीना पहले बजाज कंपनी पुणे में मैंने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी बजाज की, वो मोटरसाइकिल CNG पर है और ये जो CNG है अभी ये वेस्टर्न यूपी हरियाणा और पंजाब में, उस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सहारनपुर से लेकर हर जगह पर बन रहे हैं, जो प्रेस मड़ से और राइस स्ट्रॉ से बायोमास से बायो CNG बना रहे हैं। मैंने देश का पहला ट्रैक्टर, मेरा खुद का ट्रैक्टर CNG पे कन्वर्ट किया, ₹1,00,000 की बचत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने CNG का ट्रैक्टर लॉन्च किया है और मैं आपको बताऊंगा कि जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की वो राजीव बजाज जी ने मुझे बताया, वो मेरे लिए आई ओपनिंग था। उसने मुझे कहा कि 1 किलोमीटर पेट्रोल की मोटरसाइकिल पर बजाज की चलने के लिए ₹2.25 खर्चा आता है और CNG पर जो चलती है उसको ₹1 खर्चा आता है, यानी 60% फ्यूल का खर्चा कम होता है। और इसका कारण ये हुआ कि मार्केट में बड़े प्रमाण पर CNG की बसें, CNG की गाड़ियां, अब CNG की 2-व्हीलर भी आई है, ऑटो रिक्शा भी आई है। CNG कम पोल्यूशन करता है, पेट्रोल डीजल में बहुत पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक में तो नहीं होता है, और इसलिए इथेनॉल मिथेनॉल इसके साथ CNG LNG इलेक्ट्रिक और उसके साथ हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ जो भी आज पोल्यूशन हो रहा है, जो पेड़ आज हमारे NHI और मिनिस्ट्री खड़े किए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसका भी कार्बन क्रेडिट बनेगा। मैंने अभी सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब को नागपुर में इनवाइट किया है, 28 तारीख को शायद कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक जगह 40 सेक्टर में हमने वहाँ NHI के तरफ से एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क तैयार किया है, जो बहुत हिंदुस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट है उनसे काम किया है और वहाँ फल के झाड़ लगाए, पर वहाँ फल तोड़ने के लिए जो इंसान है उनको बंदी है, फल केवल बर्ड ही खाएंगे पर ऑक्सीजन जो है वो इंसान ले सकते हैं। तो पहला ऐसा बर्ड ऑक्सीजन पार्क, इसका इनॉग्रेशन अभी इसी महीने में 28 तारीख को हो रहा है। पर्यावरण के लिए हम केवल पर्यावरण को नष्ट नहीं करेंगे तो पर्यावरण को बचाएंगे, प्रदूषण को कम करेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने दिल्ली को 6,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें कम से कम यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा में काफ़ी प्रोजेक्ट हमने यशस्वी रूप से पूरे किए और इसके साथ मथुरा में हाइब्रिड NUT में भी मथुरा की 80 MLD स्लज को शुद्ध करके वो पानी इंडियन ऑयल को दिया और मथुरा को गंदे पानी से कुछ प्रमाण में मुक्ति देने का काम हुआ। अब वो पानी जो ऑपरेटर है वो
वो पूरे तरह 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और रिफाइनरी में पानी का उपयोग होता है। आने वाले समय में जो शपथ हमने ली है वो पर्यावरण की रक्षा करने की है, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। मुझे ये भी, हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैकलिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड साइड एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैकलिस्टे करेंगे और कई टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए, और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड